हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे प्रेशर पंप के प्रेशर सेटिंग के बारे में। दोस्तों, ये है डनफोर्स कंपनी का KP35 प्रेशर स्विच। सबसे पहले यहाँ पे पैनल के ऊपर दो स्क्रू दिए हुए, ये स्क्रू खोल लेना है। ये स्क्रू खोलते ही आपका ये कवर बाहर आ जाएगा। इस तरह से स्क्रू को खोलना है। स्क्रू को खोलते ही ये सामने जो वाइट कलर का कवर दिख रहा है वो बाहर आ जाएगा। अभी आपको यहाँ दो लेवल दिख रही है, एक है रेंज और एक है डिफरेंस। रेंज और डिफरेंस यहाँ से आप इसको सेट किए जा सकते हैं। ये जो स्क्रू देख रहे थे, ये स्क्रू में आपको खोलना है। ये स्क्रू घुमाते ही ये प्लेट बाहर आ जाएगी। और यहाँ पे दिख जो आपके दो जो स्क्रू दिख रहे हैं वो एक है डिफरेंस और एक है रेंज। तो सबसे पहले आपको रेंज को सेट करना है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट 3 kg 4 kg है, आप मैक्सिमम 4 kg तक इसकी सेटिंग कर सकते हो। और इसके साथ ही इसकी डिफरेंस सेट करना है आपको। समझ लीजिए, अगर आपका रिक्वायरमेंट 3 kg प्रेशर है और तो आपको सेट करना होगा 1 kg डिफरेंस, यानी कि पंप आपका 3 kg पे जाके बंद हो जाएगा और फिर से वो चालू होगा 2 kg पे, 1 kg पे। और इस तरह से इसकी केबल की जॉइनिंग करना है आपको। ये रेड कलर और ब्लैक कलर, ये कॉन्ट्रैक्टर है जो रिले में लगा हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक।